सब्सक्राइब कीजिए द रियलिटी ऑफ स्पेस टाइम चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमी की लेटेस्ट अपडेट्स अपलोड होती आपको मिल जाएं। हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग? तो मेरा नाम प्रथम और आज की इस वीडियो में हम एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया थोड़ी देर पहले, तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। तो कमेंट था, तो प्रमित सिंह ने इसको भेजा था। भाई, जब हम छोटे थे तो हमने सुना था कि पेंसिल के छिलके को अगर दूध में उबालते हैं तो उससे इरेजर बनते हैं और उसे रबर छोड़ेंगे, तो क्या ये सच है? तो भाई, सच में मुझे नहीं पता। तो हम ऐसा करते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि दूध के अंदर अगर हम पेंसिल को उबाल के देखेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे कई दो तीन घंटे तक, कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ मतलब सॉलिडिटी उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो रबर होती है, जो इरेजर होती है, वो थोड़ी वो सॉलिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो हम कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर बनने चाहिए अगर ये सच में होता है। तो यही एक्सपेरिमेंट हम आज करने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए और आपको पता लग जाएगा कि ये सच है झूठ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई कुछ बना है बीच में, इसमें हाथ नहीं मारने वाला। हालांकि इसको एक दिन हो चुका है पूरा, मैं इसे हाथ से पकड़ सकता हूँ बेसिकली। तो इसमें कुछ, इसमें ना कोई भी एक्सपेरिमेंट जो मैंने करा है इसमें कुछ भी नहीं था। तो अभी इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखा आपने, अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया था, कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि जो इरेजर होती है वो बेसिकली आइसोप्रोपेन होता है, और जो मिल्क होता है उसके अंदर फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अमोनिया एसिड होता है, लैक्टोज होता है, और जो वुड होती है बेसिकली बनती है वुड से, पेंसिल जो होती है वुड से बनती है, ग्रेफाइट से और क्ले बाइंडिंग से। तो इन सभी के जो रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, और एक नॉर्मल एक्सोथर्मिक रिएक्शन से मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ रिएक्शन होना भी था, क्योंकि हमने पता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने 15 से 20 मिनट तक उसको उबाला, उसके बाद जाकर हमने उसको कई घंटे तक रखा, कुछ सॉलिडिटी, कुछ उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ मतलब कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर होने चाहिए थे, पर कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली उसके अंदर उबल के मतलब हमने किया कि हमने सिर्फ हीट का उसको सोर्स दे दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये बेसिकली उन चीज़ों पे काम आते हैं जो बनने से पहले और बनने के बाद काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो और उनके बीच का जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली आयंस को इधर उधर कर देते हैं, मतलब कुछ आयंस को मिल जाते हैं, कुछ आयंस को मिलते हैं, बस इतना होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। पर जो इरेजर है ना उसकी, वो एक पूरा आइसोप्रोपेन है, तो आइसोप्रोपेन बेसिकली एक ऐसी केमिकल रिएक्शन चाहिए इसके लिए, और बेसिकली ये पेड़ों से बनता है, पेड़ के अंदर जो निकलती है इरेजर से, कुछ एक ग्लेसा निकलता है, कुछ ऐसे फ्लेक्सीबल सी चीज निकलती है, उससे बनता है ये। तो बेसिकली इसे मिथ है ये जो बच्चों में बताया जाता है, ये इसलिए था क्योंकि जो पेड़ों के अंदर वुड होती है इसलिए उनको लगता है कि जो वुड से और दूध से, क्योंकि ये वाइट कलर की बोलते हैं इसको इरेजर को, तो इसीलिए उनको एक ऐसा रिलेट कर लिया, बेसिकली मिथ है। तो हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते, पर ये एक परफेक्ट इसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया। तो आप इसको देख कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि पेंसिल के छिलके को बेसिकली दूध के अंदर उबाल कर उसको पूरी रात छोड़ देंगे तो इरेजर नहीं बनती, दैट्स फॉर श्योर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ लॉजिकल लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर, कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।